हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो इस वीडियो में मैं आपको जो चीज बताने वाली हूँ, आपके फेस पे जो ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं ना, पिंपल्स के निशान रह जाते हैं या किसी भी वजह से वैसे ही छोटे छोटे दाग धब्बे हो जाते हैं, स्किन पे ग्लो नहीं होता, चमक नहीं होती स्किन पे ना, तो उनके लिए मैं एक बड़ी अच्छी चीज, शानदार चीज बता रही हूँ सच। और वो एक ही चीज बताऊंगी मैं आपको, और वो एक ही चीज अपने में ही ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब ये ना बहुत टाइम पहले मैंने ट्राई की थी, आज से बहुत साल पहले की बात है कि जब मैं जॉब करती होती थी दिल्ली में, तो फेस पे ना धूप की वजह से बड़े स्पॉट्स वगैरह हो जाते थे, कभी ध्यान नहीं रहता, कभी टाइम नहीं होता था। पहले मैं इतनी ज्यादा अपनी स्किन को लेकर ना कॉन्शियस भी नहीं थी ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा हो गई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अपनी स्किन के ऊपर सीरियस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं होगे तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएंगी कि फिर क्योर करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता था, तब मैंने वो चीज़ ट्राई की थी, एक दो बार ट्राई की तो कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद जब डेली बेसिस पे लगाना शुरू किया, क्योंकि एक दो बार में तो कुछ भी रिजल्ट किसी को नहीं मिलता, फिर मैंने डेली बेसिस पे लगाना शुरू किया ना, तो मेरी स्किन यार सच में मतलब ग्लो कर रही थी, लिटरली ग्लो कर रही थी। और ये जो स्किन का जो टेक्सचर होता ना, ऐसा हो जाता था मस्त एकदम, और जो छोटे छोटे स्पॉट्स थे ना वो भी चले जाते थे। फिर क्या होता था, फिर जब भी मेरे स्किन पे छोटे मोटे कभी स्पॉट्स हो जाते थे, मैंने वही लगाना शुरू कर देना था। और ये चीज़ मैंने और भी लोगों को बताई थी, तो मेरे दिमाग में ही नहीं था यार इतने टाइम से कि यार ये चीज़ तो मैंने अपने व्यूअर्स को मैंने बताया ही नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे भी वो चीज़ शेयर करूँ, आपके लिए भी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और इतनी ईजी है ना, इतनी सिंपल है, कोई भी कर सकता है उसे। आप सोच रहे होंगे इतना ज़्यादा बकबक मैं कर रही हूँ, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक बादाम। मार्केट में कुछ ऐसे बादाम आते हैं जो ऑयल जिनमें ऑलरेडी निकाला हुआ होता है, वो बादाम नहीं लेना है। जो कागजी बादाम होता है ना, आपको वो बादाम लेना है, उसका ऑयल नहीं निकला हो, ठीक है, ऐसा बादाम आपको इसमें यूज करना है। सिर्फ एक ही बादाम, उस बादाम को आपने, वो होता है ना चकला, कौन सा वाला जिसमें हम चंदन घिसते हैं, चंदन घिसने वाला चकला या कोई भी ऐसा ही कुछ सिमिलर सा चीज जिसपे वो इजिली घिस जाए, और वो आपको ना पानी डाल के या फिर गुलाब जल डाल के, जो भी आपको डालना हो, आप उसे घिसना शुरू कर दो। घिसो घिसो घिसो, एक बादाम, एक मतलब इतना बड़ा बादाम आपके पूरे फेस पे सफिशियंट है, आप उसको घिस दो, आप एक महीन सा एक स्मूथ सा पेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्मूथ सा पेस्ट मिला, आपने वो लेके क्या करना है, अपनी स्किन पे लगा लो, मतलब कुछ नहीं करना इसमें, साफ स्किन पे लगाना है, फेस को वॉश कर लो अच्छे से पहले। ठीक है, फेस वॉश हो गया जी, अब अपने स्किन पे आपको लेप उसका लगा लेना है। लेप लगा लिया, लेप को आपको क्या करना है, जो आपने पानी या फिर जो भी रोज वाटर जो भी आपको, थोड़ा सा रख लो हाथ में, हल्का सा ड्रॉप ले लो उसकी, और हल्का सा डैब डैब हाथों में लेके और उसको मसाज करना स्टार्ट कर दो, उसी जो आपने पेस्ट लगाया है ना, क्योंकि वो जैसे ही लगाओगे वैसे ही ड्राई हो जाएगा वो बादाम, तो आपको बादाम को उसको गीला करते करते उसको मसाज करो, दो तीन मिनट तक, चार मिनट तक आप उसको मसाज कर लो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ज्यादा भी कर लोगे तो। ठीक है, मसाज कर लिया, मसाज करने के बाद फिर लेट इट ड्राई, फिर मत उसको छेड़ो, फिर उसको सूखने दो। सूखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल इसको प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है, फेस वॉश या किसी भी तरह का हर्बल फेस वॉश यूज नहीं करना है, सिंपल प्लेन वाटर से ही आपको फेस को अच्छे से रिंस कर लेना है। ठीक है, इससे क्योंकि जो बादाम की गुडनेस है ना, तो वो फेस वॉश से निकल जाएगी, इसलिए हमें फेस वॉश हमने पहले ही कर लिया, स्किन साफ पहले ही कर ली, ये तो हम एक तरह का अपनी स्किन को एक्स्ट्रा फूड देना है। ठीक है, तो ये हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी इसकी गुडनेस, इसका ऑयल जो नेचुरल ऑयल होता है वो स्किन में चला जाएगा बस। उसके बाद अगर फेस पे कोई मॉइस्चराइजर लगाना है, लगा लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं भी लगाओगे तो सो सकते हो आप, ऐसी आपकी स्किन सॉफ्ट और सपल हो जाएगी। और अगर आप इसका डेली बेसिस पे आप इसको यूज करते रहो 100% श्योर है, 101% श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, स्किन स्पॉटलेस हो जाएगी पक्का। मेरे बताए हुए जो मेथड्स है ना, आप उनको फॉलो करते जाओ, फिर देखो आपकी स्किन पे कमाल। बहुत लोगों से आपने YouTube पे सुना होगा कि बादाम डाल दो, बादाम की क्रीम, फलाना क्रीम, ये, अरे यार बादाम बादाम की क्रीम छोड़ो, आप इसको घिसो, डायरेक्ट आपको प्योर बादाम की क्रीम मिलेगी, उसका टेक्सचर ही इतना क्रीमी होता है, बादाम की क्रीम क्या बनाओगे आप, डायरेक्ट आप रोज के रोज आप बादाम की क्रीम बनाओ, घिसो, बादाम की क्रीम तैयार है, और बस फेस पे लेप लगा के
मसाज करना स्टार्ट कर दो, और आप फेस जब रिंस करके आओगे पानी से तब आपकी स्किन देखना, फर्स्ट वॉश में ही स्किन देखना, लेकिन मसाज जरूर करना, ठीक है। आप मसाज करोगे उसके बाद धोने के बाद स्किन देखना आप अपनी, तब आपको पता चलेगा कि जब पहले दिन ये असर है तो आने वाले दिनों में जब आप कंटिन्यू करोगे तब क्या आपको रिजल्ट मिलेगा।